चंद्रयान 3 के कवरेज के लिए टीवी 9 भारतवर्ष की टीम बेंगलुरु पहुंच चुकी है और मैं इस समय इसरो के उस कार्यालय के बाहर हूं जहां से चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम को कमांड नेटवर्क और ट्रैकिंग सिस्टम दिया जाता है। खास बात यह है कि यहीं वो ऑफिस है, वो कार्यालय है इसरो का जहाँ से चंद्रयान 3 को ट्रैक किया जा रहा था और उसके लैंडर को भी ट्रैक किया जा रहा है। इसरो दूरमति अनुवर्तन तथा आदेश संचार जाल अंतरिक्ष यान नियंत्रण केंद्र। सबसे अहम बात यह है कि 23 अगस्त को शाम को 6:04 पर चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह को छुएगा और उसके बाद उससे रोवर बाहर आएगा। ये रोवर चंद्रमा के एक दिन यानी कि पृथ्वी के 14 दिन के बराबर वहाँ पर खोज करेगा। वहाँ ठोस रूप में पानी मौजूद है और या फिर चंद्रमा की धरती की जो सतह है वो किस तरह की है, इस तरह की खोज करके वो डेटा इसरो को इसी कार्यालय बेंगलुरु में भेजेगा। और सबसे अहम बात ये है कि बेंगलुरु में इसरो के 4 मुख्य कार्यालय स्थित हैं। इसके अलावा लॉन्च पैड आप जानते ही हैं कि श्रीहरिकोटा में मौजूद है। इसरो अब तक इस मामले में पूरी सफलता हासिल कर चुका है। चूंकि चंद्रयान 3 का जो लैंडर है उसकी सेकंड जो डी बूस्टिंग थी वो पूरी तरह से सफल रही है। अभी चंद्रयान 3 रिवॉल्विंग मोड पर है और काउंटडाउन शुरू हो चुका है और मैं आपको हर एक ताज़ा जानकारी इसरो के कार्यालय के बाहर और भीतर से देता रहूँगा। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, बेंगलुरु।